बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उर्द्राम रोडी आप देखना शुरू कर चुका हूं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि जो तहसीलदार का मामला है, यानी कन्नौज के अंदर जिस तरीके से मारपीट की गई तहसीलदार के साथ, उस मामले को आज 4 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि जो तहसीलदार है कन्नौज से, सदर से, आपको बता दें अरविंद कुमार यहां पर तहसीलदार थे, राशन बांट रहे थे, लेकिन सांसद का यह आरोप है कि 10 लोगों को ही राशन बांटा गया था, बाकी लोगों को नहीं बांटा गया था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो तहसीलदार है वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरी सूची है, वो जो अधिकारी है उनको दे दी गई है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें इस बारे में जानकारी जो थी वो हमने आपको बता दें कि जो सांसद है उनको मुआया करवाई, लेकिन सांसद ने उन्हें फोन पर धमकी दी। आपको बता दें कि इस फोन की धमकी की पूरी आपको बता दें कि जो जानकारी है, तहसीलदार ने समय रहते ही आपको बता दें कि जो बड़े अधिकारी थे उनको आपको बता दें कि जिले के जो भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे उनको मुआया करवा दी थी। इसी के कारण आपको बता दें कि सांसद आज कटघरे में थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस घटना की तुरंत बाद तहसीलदार का आरोप है कि वो घर चले गए क्योंकि मुझे बड़े अधिकारियों ने आदेश दिया कि आप घर चले जाओ क्योंकि जो सांसद है वो तहसील के अंदर घुसकर आपके साथ कुछ अवर्तता करे, उससे अच्छा है कि आप घर चले जाओ। लेकिन वहां पर घर में घुसकर सांसद और उसके 20-25 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। इस घटना को आपको बता दें कि आज 4 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में आपको बता दें कि SC ST एक्ट के साथ 10 गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अभी तक इस मामले में क्या कुछ कर रही है, अभी तक कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी तक 4 दिन बीतने के बावजूद भी आपको बता दें कि जो सांसद है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के अंदर आपको बता दें कि जो अरविंद कुमार की पत्नी है जो कि टीचर भी है, उन्होंने आपको बता दें उनका स्टेटमेंट डाला है। अरविंद कुमार की पत्नी का यह कहना है कि 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी सांसद पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें डर है कि हमारे परिवार पर वो लोग फिर से अटैक ना कर दें। इसके चलते मैं ये चाहते हूँ कि मेरे पति का जो ट्रांसफर है वो कहीं और जगह पर कर दें और मेरी बच्ची और मुझे, हम लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और उनके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने सांसद की गिरफ्तारी की भी मांग की है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में कहा कि 4-4, 5-5 दिन बीतने के बाद भी अगर सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ क्या कुछ होता है, ये साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार होने के बावजूद भी जब एक आरोपी को नहीं गिरफ्तार कर पा रहे तो एक आम आपको बता दें कि जो दलित है या जो छोटा व्यक्ति है वो किस तरीके से आपको बता दें कि गांव के अंदर रहता होगा, किस तरीके से उसके साथ जुल्म ज्यादतियां होती है तो उसका वो डटकर सामना करता होगा। आपको बता दें कि किसी भी तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो आज पूरे 4-5 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि अभी तक जो सांसद की है वो गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही आपको बता दें कि कोई बड़ी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में क्या कुछ कर रहा है। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी जा रही है लेकिन मांगी गई है या नहीं मांगी गई है इस बारे में भी अभी तक कोई खास या ठोस बात सामने नहीं आई है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो